दिल गायब हो जाता है। बोलो ना क्या काम है? बेटा इस बार ये लोड़ी तुम दोनों ने ही चलानी है। आप ही कर लो ना प्लीज। बेटा ये तुम दोनों की पहली लोड़ी है और तुम ही नहीं ये सब कुछ करना है, इसके बाद पूजा भी करनी है। अच्छा बाबा पूजा तू मत करना, पूजा कम करेगा सवाल जवाब ज्यादा करेगा, पूजा प्रज्ञा ही कर लेगी, तू सिर्फ उसके साथ खड़े हो जाना, बस इस वक्त तुम दोनों का इकट्ठे रहना जरूरी है, ये नोट कर ले। अब जाना प्रज्ञा के साथ। जा रब्बा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। उस चश्मिश की विश मेरी विश से ज्यादा जायज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और अभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कर रही हो? मैं विश मांग रही थी कि अभी और प्रज्ञा एक दूसरे से दूर हो जाए। अच्छा तुम कब से इन सब बकवास चीजों में विश्वास करने लगे? खुद पर हिंदू दासी है ना, उन्होंने मुझे कहा कि आज के दिन लोड़ी के सामने जो कोई भी विश मांगो ना वो पूरी हो जाती है, तो अभी को पाने का मैं कोई भी मौका नहीं चाहूंगा। वेरी नाइस, लगी रहो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सभी लोगों को आज ही का दिन मिला था, तुम ही रह गई थी, तुम भी बोल लो चुप बोलना, बना तो आज के दिन को मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे। यहाँ नहीं, अकेले में। अकेले में? कहीं इसने मेरी और तनु की बात तो नहीं सुन ली? अब बोलो क्या बोलना, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आपसे कहना था कि मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ? ये अपना इंट्रोडक्शन देना बंद करो, सीधे पॉइंट पर आओ। वैसे ही बहुत टेंशन है, मेरे टेंशन को और मत बढ़ाओ। तो क्या टेंशन है, आप मुझे बताइए ना, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। आधी टेंशन तो तुम्हारी वजह से, और तुम मेरे टेंशन को कम करने का बदले और बढ़ा दोगी, समझी तुम? एक चांस तो दीजिए, हो सकता है कुछ कम ही कर दूं मैं टेंशन। लगता है इसे तन्नु के बारे में कुछ नहीं पता, फिर क्या बात करनी है इसे? मैं जानती हूँ तन्नु इसे सब कुछ जानबूझकर कर रही है, वो किसी भी हालत में ये चैलेंज जीतना चाहती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो करेगी भी तो क्या करेगी। बुलबुल उसे जो करना है करने दो ना, तुम क्यों इतना सोच रही हो? तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि चारों ओर हो क्या रहा है। मतलब ये कि तुमने अभी और प्रज्ञा को देखा कि वो लोड़ी के चारों ओर कैसे फेरे लगा रहे, उनको देख के लग रहा था कि एक एक फेरे के साथ ना उनकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो रही, कितने अच्छे लग रहे थे तुम, और हम सब ये चाहते हैं कि वो कभी अलग ना हो। जहाँ विशेज इतनी अच्छी होती है ना कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, तुम ज्यादा मत सोचो प्लीज। वो सब ठीक है पूरब, लेकिन मैं किसी भी हालत में दी को नहीं हारने दे सकती, तिहार की तो तनु जीत जाएगी। तुम चलो, तुम चलो। बोलो क्या बात करनी। तुम बता तुम उससे क्या बात कर रहे थे? मैं बात नहीं कर रहा था, मैं सुन रहा था। सुन रहे थे? जब तुम्हें पता है कि मैं टेंशन में हूँ तो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए ना। वो जबरदस्ती मुझे वहां ले गई थी। तुम डांट नहीं सकते थे? ओए पानी कम आज नीचे। और सबसे पहली बात, एक तो फुकिया जिसे कुछ समझाए बिना ना सब कुछ समझ जाती है, और तुम्हें बोलने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं उससे कोई झगड़ा नहीं करने वाला,
मैं नहीं चाहता कि मैं उससे झगड़ा करूं और वो तुम्हारे परिवार के सामने जाकर कोई तमाशा करे, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ नहीं संभालने वाला। लेकिन कब तक संभालोगे अभी, कब तक? ये फेक शादी का ड्रामा खत्म क्यों नहीं कर देते? मैं भी यही चाहता हूँ ना, लेकिन तनु हर चीज के लिए एक सही टाइम होता है और मैं उस सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें चलना होगा और मेरे पेरेंट्स से बात करनी होगी कि तुम मुझे से शादी करोगे। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा, लेकिन कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे घर। मेरे घर क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं आ रहे हैं। मेरी जिंदगी में कम ड्रामा है जो अब तू दीवार से टकरा के ड्रामा बनवाएगा? मैं फंक्शन छोड़कर नहीं आ सकता। अबे तुम्हारे लिए तो मैंने उन्हें वहां भेजा है, और अगर तुम नहीं गए तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए चलो मेरे साथ। ठीक है मैं चलता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा लेकिन अपने तरीके से, और जब मैं उनसे बात करूंगा तुम बीच में कुछ मत बोलना। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? डैड, हाउ आर यू डैड? आई एम फाइन। मोहम डैड, ही इज माय अभी। हेलो, नमस्ते। तुम जैसे वैसे ही रहो ना। आप कैसी रही आप लोगों की ट्रिप? कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए बैठिए प्लीज। सो अभी यू आर मैरिड? एक्चुअली फ्लाइट में हमें तुम्हारे कुछ फैंस मिले थे, उनसे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन ये बात हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। ओके अब मम्मा सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी की जो शादी हुई है ना, वो एक्चुअल में शादी शादी नहीं है। क्या मतलब? इट्स अ फोर्स्ड मैरिज मम्मा, अभी ये शादी करना नहीं चाहते थे, और अभी की जो वाइफ है ना उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर वाइफ जैसा कोई रिलेशन नहीं है, और थोड़ी टाइम में ये उस लड़की को छोड़ने भी वाले है ना। अभी आज तक तुमने कुछ सही बोला है, मेरा मतलब है कि गलत थोड़ी सही बोल रही हो, गलत कभी नहीं बोला, सही बोला। थैंक गॉड। पता है हम पूरे रास्ते यही सोच रहे थे कि अगर अगर ये बात सच हुई तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पर अब तो सब क्लियर हो गया ना मामा। ऑफ कोर्स। अभी बेटा तुम्हारे घर वाले कहीं नजर नहीं आ रहे? वो लोग यहीं पर है घर की बैक साइड, लोहड़ी की पूजा कर रहे हैं ना, तो आप चाहे तो मिल सकती है। चलिए। या नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। तनु, आई मस्ट से अभी का ना सिंगिंग के साथ साथ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। मम्मा अगर आप अभी के साथ दो दिन रहेंगी ना तो आप अभी की फैन हो जाएंगी। रियली? अभी वैसे तुम्हारी वाइफ आई मीन वो लड़की यहीं रहती है? साथ नहीं रहती है मामा, बस एक ही घर में रहती है। एक बात मुझे समझ भी नहीं आई अभी, आई मीन तुम इतने बड़े रॉकस्टार और वो एक गरीब सी मामूली घर की लड़की, तुम उसके साथ मैनेज कैसे करते हो? किसी को देखकर अगर इरिटेशन होती हो तो उसी के साथ एक ही घर में रहना, isn't it a hell of an experience for you? It is hell of an experience for me. But let me tell you one thing. वो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, बहुत irritating है वो। लेकिन साथ ही साथ बहुत sensible भी है। Mature है, down to earth है, middle class family से है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी है। She's a very good teacher. और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो adjust करना चाहती है। मैं हमेशा उस पर गुस्सा होता हूँ, उसे डांटता हूँ, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होती। अजीब हरकतें करती है लेकिन मुझे संभाल लेती है। अब अगर तुम खुद अपने मुंह से इतनी तारीफ कर रहे हो तो फिर हमें उसे मिलना चाहिए। आपने इन्हें कहीं देखा क्या? हाँ, उधर जाते हुए।
मैंने उसे उधर जाते हुए देखा है। हाँ, और प्रज्ञा मैंने उधर से आते हुए देखा था। लेकिन क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में लग रहे हो? अब कुछ काम था अभी से या कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो मैं ढूंढने में मदद करूँ? नहीं भाभी, कोई जरूरी काम नहीं। वो एक्चुअली बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रहे थे ना, तो इसीलिए ढूंढ रही थी। अरे उसे किसी तीज त्योहार में इंटरेस्ट तो है नहीं, तो बैठा होगा किसी कोने में अकेला टाइम पास कर रहा होगा। हाँ? टाइम पास कर रहा होगा मतलब दीवारों से थोड़ी ना बात कर रहा होगा, वो जरूर तनु के साथ में होगा। मेरा मतलब है तनु भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना, इसीलिए मुझ से। तनु तो वहां पर है, तो प्रज्ञा अभी जरूर अकेला ही कहीं पर होगा। हाँ अभी तो वहां पर थी ना, मुझे दिखाई दी, वो शायद उधर गए, मैं जाकर देख कर आती हूँ। मैं भी जरा आकाश को देखकर आती हूँ। इट्स अ सुपर प्लान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना अच्छा गेम प्लान बनाया ना तुमने, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये सारा आइडिया तुम्हारा। पर पता है जो तुमने किया है उसके बाद भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पर यू नो व्हाट, मुझे मेरे भाई पे अब बड़ी दया आ रही है। आलिया तुम्हें जितनी दया करनी है ना तो मुझ पे करो, क्योंकि अभी खुद जिम्मेदार है अपनी इस हालत का। उससे जब भी शादी की बात करो कोई ना कोई बहाना देके टाल देता है, पर क्योंकि मैं जानती थी कि अभी मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता, सो मैंने ये स्टेप उठाया और रिजल्ट तुम्हारे सामने। अब अभी को मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और वैसे भी अभी उस चश्मे से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है तो हमारी शादी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस पर डबल नहीं ट्रिपल प्रेशर है, मैं, मॉम और डैड। आलिया सोचो अगर वो चश्मिश भी वहां पहुंच जाए तो अभी अभी तीनों को कैसे मैनेज करेगा? इतना परेशान हो जाएगा ना वो, और उसी परेशानी में गुस्से में प्रज्ञा से अपना रिश्ता तोड़ देगा। और वैसे भी वो बहुत पुशी और डिमांडिंग है, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। पर अगर ऐसा हो जाए बहुत मजा आएगा। नहीं तनु, इतना बढ़िया प्लान बनाने के बाद तुम ऐसी इडियट वाली बातें कैसे कर सकती हो? वो बहन जी वहां पर पहुंच गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बात सीधा दादी तक पहुंच जाएगी, और तुम तो जानती हो दादी किसकी साइड लेगी, किसके फेवर लेगी। सोचा है तुमने कि नहीं? हाँ लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो प्रज्ञा दादी की फेवरेट है और अभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, मतलब मुझे अभी को टाइम देना ही पड़ेगा। पर हाँ, मैं मेक श्योर करूंगी कि वो मेरे मॉम डैड से प्रॉमिस करे कि हमारी शादी होगी। बीजी कितना अच्छा लगा ना जब हमारी प्रज्ञा और अभी ने इस लोहड़ी की आग के आसपास फेरे लिए, इस तरह फेरे लेते देख मुझे उनकी शादी याद आ गई। अब प्रज्ञा की शादी याद आ गई है तो उसकी विदाई भी याद आ जाएगी। देख रही है ना बुलबुल अपनी माँ को, रोज किसी ना किसी बहाने कुछ याद करके आंखों से जब तक ये आंसू ना बहाए ना कुछ चैन नहीं पड़ता। अरे सरला देखना कितना खुशी का माहौल है, ऐसे में तेरे आंसू देखेंगे तो माहौल खराब नहीं होगा? नहीं बीजी, मैं माहौल को खराब क्या कर रही? Excuse me? पूरब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? माँ बुला रही मुझे। हाँ क्यों? वो प्रज्ञा दी और जीजू फेरे लेने वाले हैं, तो माँ ने कहा कि हम दोनों भी लोड़ी के फेरे ले ले। ओ, फेरे लेने होंगे हम दोनों को। इधर आओ। पूरब ये तुम क्या कर रहे हो? बुलबुल मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि तुम वाकई में ये फेरे लेना चाहती हो। हाँ बिल्कुल। Are you sure? एक बार फिर से सोच लो। पूरब इसमें सोचने वाली क्या बात है, फेरे लेने हैं तो लेने हैं, लेकिन तुम कुछ और तो नहीं सोच रहे हो? देखो जो भी बताना है साफ साफ कहो, बिकॉज आई हेट पजल्स। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने फेरे ले लिए ना तो मेरे हिसाब से हमारी शादी हो जाए, और अगर शादी हो जाएगी तो उसकी अगली रस्म भी निभानी पड़ेगी ना, वो मैं अभी निभा। शादी के बाद वाली रस्म? सुहागरात। शादी की अगली रस्म सुहागरात ही होती है ना, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरा माइंड एक बार सेट हो जाए ना शादी का, तो फिर मैं तुमसे ना नहीं सुनूंगा। जब भी मैं तुम्हारे सामने होऊंगा मुझे बस वही याद आएगा, तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। पूरब ये तुम क्या बोल रहे हो? फेरे लेने के लिए तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ भी बोलता हूँ, कैसी बात है?
फेरे लेने से शादी नहीं हो जाती। हाँ तो फिर नहीं लेते ना, फिर क्या जरूरत है फेरे लेने की। कैसा बचपना है पूरब। बच्चे ऐसी जिद नहीं करते, इस बात की जिद तो बिल्कुल नहीं करते। देखो दादी ने कहा है तो फेरे लेने होंगे। अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ फेरे लेने के लिए, चलो अभी ले लेते हैं फेरे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर फेरे ले लिया तो मेरे हिसाब से शादी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ना तुम मुझे अपने पास आने से रोक नहीं सकती। पूरब। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी खामोशी को हाँ समझो। बिना मेरे सवाल का जवाब दिए आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जवाब तो तुम्हें देना होगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाली, फेरे लेने हैं तो बता, वरना मैं माँ को जाकर बता दूंगी। अरे माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत है, तुम मेरे से बात करो ना। तो तुम शादी को बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो मैं ऐसी मजाक। हाँ वो तो मैं ऐसी मजाक। अब चलो। अच्छा सुनो, किस्त दो। अभी वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम, वॉशरूम यहाँ पर सीधा आगे जाकर लेफ्ट में, द फर्स्ट डोर। पूरब अभी तक आया क्यों नहीं? अरे बोला था मैंने उससे कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, फिर इतना टाइम क्यों लगा रहा है? क्या हुआ अभी? बहुत परेशान लग रहे हो, इज एवरीथिंग ओके? अब कैसे बताऊं कि तुम दोनों ही मेरी प्रॉब्लम हो। इज एवरीथिंग ओके पति? नो प्रॉब्लम आंटी, सब ठीक है। मैं बस यही सोच रहा था कि इतनी देर से वेट करो, मेरी बीवी अभी तक आई क्यों नहीं? यू नो वन थिंग आंटी, मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता, लेकिन वो मुझे अपना पति मानती है। पर अगर पति मानती है तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? कब से वेट करो, अभी तक आई नहीं। वेट, उसे यहाँ पर आने दो, फिर मैं उसे सबक सिखाता हूँ। आप कहे तो मैं बीबी जी को बुला लू। नहीं राम काका, फोन है ना मेरे पास, अगर इस उम्र में नौकरी कहीं ना तो अपनी बीबी को नहीं बुला पाओगे तुम। थैंक यू रामू काका। फोन, अभी फोन करता हूं, उड़ते उड़ते आ जाएंगी आप। होगी कहा हो तुम, पता है तुम्हारा वेट करते करते ना मेरा वेट लॉस हो गया और तुम वहां पर लोड़ी एंजॉय कर रही हो। अपने गेस्ट को मारो गोली, मेरे दो खास गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जहां पर भी हो ना अभी इसी वक्त वहां से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाओ, वरना तुम्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं पता है तुम्हें, पता है किसके साथ बैठे? कहीं पूरब जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा था कहीं ये वो तो नहीं? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? ये दिमाग भी ऐसा घुमा हुआ है ना कि फुग्गी की आवाज यहां तक आ रही है। बाहर इतने सारे गेस्ट, और तुम्हें दादी के साथ होना चाहिए ना, वो तुम्हें ढूंढ रही होगी। दादी मुझे ढूंढ नहीं रही, उनके पास ही आ रही हूँ। तो तुम्हें गेस्ट के साथ होना चाहिए। गेस्ट के साथ तो आपको रहना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे? और ये कौन है, यहाँ क्यों बैठी? गेस्ट है क्या? गेस्ट है तो बाहर होना चाहिए, बाहर क्यों नहीं है और यहाँ क्यों बैठी? तुम कोर्ट रूम में खड़ी हो जो इतने सवाल कर रही हो, चुप बोला ना, बाहर जाओ। मैं ऐसे कैसे जाऊँ? पहले मुझे बताइए ये है कौन,
मेरी होने वाली सास। क्या? अरे फुग्गी, सास हो या साली, क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहो ना मेरी माँ यहाँ से, तुम चाहो कैसे जाऊँ? आप मुझे परेशान लग रहे, थोड़े थोड़े डरे हुए भी लग रहे। गड़बड़ है कुछ, मैं दादी को बुला कर लाती हूँ। तुम पागल हो गई हो फुग्गी, तुम दादी को बीच में क्यों ला रही हो? आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो उन्हें बुलाना पड़ेगा ना, उनसे ही पूछना पड़ेगा कि है कौन। ठीक है, मेरी माँ बता रहा हूँ, ये दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं। दोनों मतलब एक जो यहाँ पर बैठी है और दूसरा वॉशरूम के अंदर। ये लोग मुझसे एक बिल साइन करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए। हो गया, अब तो जाओ। तुम्हें इस रिश्ते से, तुम्हें इस डील से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम क्यों होगी? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ। इन्होंने कहा मुझसे कि डील थोड़ी अजीब है लेकिन लेकिन जरूरी है, और अगर जरूरी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कमाल है, इस लड़की को तनु और अभी की शादी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कि लड़की खुद अपनी शादी को शादी ही नहीं मानती और हम लोग खामखा परेशान हो रहे थे। मुझे लगता है ये लोग प्राइस कम करने की सोच रहे हैं। But you don't worry, I'll handle them. बेटा अभी बिल्कुल सही तारीफ करता है तुम्हारी। तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, एजुकेटेड हो और आज के दौर को अच्छी तरह समझती भी हो कि कभी कभी ऐसे भी रिश्ते, ऐसी डील्स भी करनी पड़ती हैं। कहो कब करना है सर? अप्रैल, अप्रैल का महीना सही रहेगा? नहीं नहीं, आई थिंक अप्रैल में बहुत गर्मी होती है, जून शुड बी बेटर। जून? जून में कैसे करेंगे? जून में क्यों नहीं कर सकते? हाँ यू आर राइट, जून में बारिश बहुत होती है ना, आउटडोर नहीं हो पाएगा। तो इंडोर कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ ये, लेकिन यू नो बारिश के मौसम में गेस्ट कम आएंगे। गेस्ट? ले आई तू अपने पूरब को? अब ये लोड़ी की अग्नि के आसपास फेरे लेकर तुम अपने रिश्ते को और भी पक्का कर लो। जा रही हूँ इन दोनों को अलग करने के लिए। इन्हें एक साथ मैं नहीं देख सकती तनु, अब तक तो इन्हें एक साथ देखती आई हूँ लेकिन अब इन्हें फेरे लेते हुए मैं नहीं देख सकती। तुम कुछ नहीं करोगी आलिया, हो क्या गया तुम्हें? अब तक तुम्हें अपने आप पे इतना कंट्रोल था, इतने पेशेंस से काम लिया और अब अचानक हिम्मत हार रही हो। तुम अगर कुछ भी करोगी ना तो सबको पता चल जाएगा, सबके सामने एक्सपोज हो जाओगी तुम, और सबको पता चल जाएगा कि तुम पूरब और बुलबुल को एक साथ होते हुए नहीं देख सकती। हाँ तो क्या करूँ, जैसे फेरे ले रहे हो और ऐसे ही इन दोनों की शादी होने दूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो कुछ भी करना है हमें बहुत सोच समझ के करना है। अरे तो क्या करना है तनु? मेरे पास एक प्लान है। प्लान? Bye.
माय बॉय कम। तुम पे तो हमें पूरा भरोसा था ही, पर तुम्हारी पत्नी से मिलने के बाद हम दोनों तो बिल्कुल बेफिक्र से हो गए। अब सब कुछ बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा। ऑनेस्टली अभी तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी वाइफ को यहाँ बुला लिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये यहाँ नहीं आती ना तो हम इतनी बड़ी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो पाते। शी सच अ नाइस गर्ल। थैंक यू आंटी। या वेरी नाइस गर्ल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अरे तुमने तुमने दादी को मेडिसिन दी? अभी टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट बचे, 10 मिनट के बाद जाकर दे आऊंगी। 10 मिनट तो तुम्हें दादी को ढूंढने में लग जाएंगे, तुम अभी जाओ वरना लेट हो जाओगी। अभी चली जाओ। ठीक है, मैं दादी को दवाई दे देती हूँ, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे, जाओ दवाई इज मोर इम्पोर्टेंट। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बड़ी ही समझदार लड़की, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहां मिलती जो अपनी शादी तोड़कर अपने ही हस्बैंड की शादी किसी और से करवाए। नहीं मिलती अंकल, और मिलनी भी नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि हमारा टाइम बुरा चल रहा है या उसका उसका अच्छा चल रहा है। पूरब को ही उसको बचाना था। जितना उन दोनों को दूर करने की सोचो उतना ज्यादा करीब आ जाते हैं। पूरब को तो चोट लगी है ना, मैं तो देख भी नहीं पाई, उसके 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 हाथ में लगी ना। कार से एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, पूल में धक्का दिया, आज आग में धक्का दिया, लेकिन फिर भी बच गई। समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। आलिया अभी कुछ करने की सोचो भी मत, दिमाग ठंडा रखो, गुस्से में कोई कदम उठाओगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो क्या कहना चाहती हो तुम, जो हो रहा है उसे होने दूं क्या? नहीं, सही मौके का इंतजार करो। तो तुमने कुछ सोचा है क्या तनु? काफी देर हो गई अभी को मॉम डैड के साथ, जाके देखती हूँ बात कहाँ तक पहुँची। ये अंदर कैसे चली गई, कहीं मॉम डैड से तो नहीं मिलके आ रही है? तुम अंदर क्यों गई थी? चश्मा मुझे लगा है और नजर तुम्हें नहीं आ रहा। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में क्यों गई थी, क्या करने गई थी, ये पूछने का हक नहीं है तुम्हें। बाहर वाली हो, बाहर वालों की तरह ही रहो। डोंट वरी, थोड़े दिन बाद तुम इस घर से बाहर चली जाओगी, तब तुम बाहर वाली बन जाओगी। बताओ क्यों गई थी अंदर और किससे मिलके आ रही हो? अपने पति से मिलने गई थी। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ है? मैं इनसे मिलकर भी आई हूँ और इनकी मदद भी करके आई हूँ, जिसकी वजह से उनके मन में मेरे लिए इज्जत और इस घर में मेरे लिए जगह और बढ़ गई। इसलिए तुम्हारे मन में जो ये सपना है ना मुझे इस घर से बाहर निकालने का, उसे भूल जाओ तो बेहतर होगा। ऐसा क्या कर दिया इसने? कहीं इसने अभी और मॉम डैड की बात को खराब तो नहीं कर दिया, जिससे अभी को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।